बीच में सीबीआई ने, दिल्ली की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जिसके विषय में असेंबली से लेकर के जब डाइवोर्स हुआ था नीतीश कुमार का बीजेपी से, खादी घींचा घींची सब हुआ था, तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और विकल्प की बात की थी कि नेशनल मैप पर सब लोगों को इकट्ठा होकर हम लोग को भाजपा को हटाने के लिए तैयारी रहनी चाहिए। नीतीश जी का स्टैंड और भाषण है पहले से, मैंने रात को भी आप नीतीश जी से बात किया था कि भाई आप और हम कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ मिल करके हम लोग तय करो क्या करना है। तरुण से डिप्टी सीएम से भी नीतीश कुमार 40 मिनट तक बात किए और मैंने कहा आज भी आप लोगों को कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था। हाँ ये जरूर कहा था कि पब्लिक डोमेन के लिए जो आरोप आरोप लगा है उसको आप लोग प्रेस के माध्यम से बता दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, नीतीश जी ने ये कहा था, सुन रहे होंगे अगर सुनते होंगे तो हम लोगों ने रात को भी कहा परसों भी कहा कि पब्लिक डोमेन में केस के मामले में बहुत सारी त्रुटियां है, केस एकदम बिल्कुल फर्जी है, ये बताने से पूरा जो एजेंसियां है उसको मरम्मत कर देगी। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोलना है, इस सब चीज़ों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं कि बेनामी तो ये तो वो सब वो तो समय पर। और हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है, आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण, जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बाद में, हमारे लिए में जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा जानना चाहेगा तो वहाँ कहेंगे, आप पुलिस थाना नहीं है कि सफाई दीजिए। सफाई दी हमने कायदे से बता दिया था, इनके सब प्रवक्ता भी लगातार वही बोलते रहते, आज भी नीतीश जी ने बोला है इस्तीफा के बाद, तो समूचा सेट था मामला। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे, और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था तो हम लोग क्या गलती का। ये पूरा सेट है और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर बात, जब महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से, नीतीश कुमार 302 के मुदाले हैं, नीतीश कुमार 302 के मुदाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई, हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का आर्म्स एक्ट का अव्वल मुदाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का आता पता भी नहीं है, ये केस का है ये पूरा, कोई भी आदमी वो केस जो है भंडारक थाना कान संख्या 131 199 दिनांक 16/11/91 नागरिक का वोट में सीताराम सिंह, धारा है 147 148 149
302-307 IPC एवं आर्म्स एक्ट 27 ये सेक्शन है ये नीतीश कुमार जी के ऊपर, इसमें सजा है आजीवन कारावास नहीं तो फांसी। बात सुनो, इसको हम लोग बहुत शुरू से जानते थे लेकिन हमने उचित नहीं समझा था। ये है दिनांक 31/8/2009 लोअर कोर्ट। नहीं नहीं सुना, नहीं लो मतलब नहीं उनको, संज्ञान भी हो चुका है नीतीश कुमार पर। हाँ कंग्रेजेंस पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर 31/8/2009 को जी बाढ़ न्यायालय ने कंप्लेन केस में 41/2009 में कॉग्निजेंस लिया 2009 में। और मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी MLC का जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिए निकाल के लाओ जी है वहाँ जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे, कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई। ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथा कथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक एक वोटर की हत्या। अव्वल मुद्दा है नीतीश कुमार हैं,